बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बाय करना चाहिए, तो ये रीजन मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इसको आपको आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल एंड सेफ एंड वेल। सो ये बात कर रही हूँ आज बायोटिक के बायो मॉइस्चराइजर का, बायो नेक्टर मॉइस्चराइजर का। सो ये मॉइस्चराइजर मैंने जस्ट 1.5 मंथ पहले परचेज किया था और इसको मैंने लगभग आधा ख़त्म कर रखा है। आप देख सकते हैं, कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, बट देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ तक मेरी मिली गई। ये देखिए, पूरा आधा मैंने ख़त्म कर दिया, आधा से ज़्यादा। तो मैं इसका रिव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो मैं चीज़ यूज़ करूँ उसका ही रिव्यू दूँ, ताकि वो टेस्ट रहे। कोई भी मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं देती हूँ कि मैंने यूज़ ना किया हो, क्योंकि मैंने लास्ट में कोजी केयर शो का रिव्यू दिया था, तो वो भी मैंने 1 महीने तक यूज़ किया था, तभी दिया था। तो ये भी मैंने 1.5 मंथ तक यूज़ किया और मेरी ऑयली स्किन टाइप है, तो ये कैसा रिएक्ट करता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे तो मैं अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो बायोटिक की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें इस तरह की ग्रीन कलर की कैप आपको मिलती है और वाइट कलर का ऐसा पैकेजिंग मिलती है। तो इसके सारे प्रोडक्ट ये क्लेम करता है कि ये हर्बल प्रोडक्ट होता है, कोई भी हार्श केमिकल नहीं पड़े होते हैं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि इसको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तो कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ है। मतलब बेसिकली मॉइस्चराइजर से जो होता है वही वर्क करता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इस तरह का आपको डिब्बे में मिलेगा आपको प्रोडक्ट, और मैं आपको बैग करके दिखा दूँगी। तो ऐसा होता है, मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारी स्किन सर्दियों में, गर्मी में तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी स्किन खुद ऑयल रिड्यूस करती है, तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम मॉइस्चराइज नहीं करते तो स्किन खुद ऑयल रिड्यूस करती है, तो जिससे ये होता है, जब हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो हमारी स्किन खुद ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो स्किन और भी ज़्यादा ऑयली बनती है। तो ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और ड्राई स्किन वालों को तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर ड्राई स्किन से ये होता है कि हमारी जो लाइन्स होती है वो दिखने लगती है, तो जिससे फेस और भी ज़्यादा एज लाइन वगैरह होता है, एज्ड लगने लगती है। तो आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये मॉइस्चराइजर गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसलिए मैं बाय ना करने को कह रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए। तो मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं इसको यूज़ करती थी तो ये होता था कि स्किन मॉइस्चराइज तो होती थी, बस इसको ऑब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता था। मतलब मैं लगा लेती थी तो पूरा फेस जो है मेरा ऑयली ऑयली जैसा लगता था दूर से ही, जैसा लगा था तो मैं ऑयल लगाया है। तो मैं इसको ऑयल लगाने से पहले क्या करती थी, इसमें विटामिन सी का सीरम डाल के इसको यूज़ करती थी, वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में यूज़ करती थी। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है। और वैसे तो अब सर्दी आने वाली है, तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, तो क्या होता है ये मेरी फेस जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और ड्राई, मेरी सिस्टर है उसकी ड्राई स्किन है तो वो यूज़ करती है ये प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट काम कर रहा है, क्योंकि वो कोई लेमन एसेंशियल ऑयल भी नहीं यूज़ करती है, फिर भी उसका मतलब अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है फेस स्किन। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पिंपल वगैरह नहीं हुए हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का वर्क करता है। इसका अमाउंट 100 रुपीज़ में है और इसकी एक बड़ी बोतल भी आती है उसका। तो सबसे पहले इधर आपको दिखेगा कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्लींजिंग, रिप्लेसिंग, नर्सिंग और एज नीटर सब कुछ लिखा है। और नेक्स्ट इधर आपको सारे इंग्रेडिएंट मिले होंगे जिसमें जिसे इसमें पड़ा है, बादाम सीड, मधु, नरिकेला सीड, सनफ्लावर ऑयल, प्यूरीफाई वाटर, सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, बादाम सीड भी पड़ा हुआ है। सो इस तरह की कैप आपको मिलेगा और ये थिक क्वांटिटी में आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, सारे नेचुरल हर्बल मॉइस्चराइज़र हैं। आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इस तरह से इसको ब्लेंड करना है, कितना थिक स्टिकी मॉइस्चराइज़र है। तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। सो इसकी कंपनी, ईमेल सब आपको बोतल पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि लेफ़्ट वाला हैंड और राइट वाले हैंड में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले आपको फेस वॉश करके इतनी अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लेना है, देन उसको ब्लेंड करके हाथ से ऐसे अप्लाई कर लेना है, स्लोली स्लोली आपको अप्लाई करना है ताकि स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए कुछ इस तरह से। देन उसके बाद मैंने हैंड पे भी लगा दिया तो हैंड भी बहुत अच्छे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं ग्लो सा आ गया है और स्किन कितनी लंपी प्लम्पी लग रही है। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन को भी हिट करिएगा। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।